तो क्या हाल है भाई। मेरा नाम हिमांशु है। मेरा जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं मैं बता देता हूँ, मेरा SSC CP 2022 से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मेरे को दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिली अभी, तो ऑल इंडिया रैंक 48। एक ही लाइन में बोल गया सारा। मेरा CGL CHSL CPO और BSF हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर, चारों में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये सब मैंने मतलब फाइनल सिलेक्शन मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर करना ये सब ऐसे हुआ कि थोड़ी बहुत मैं थोड़ा पेपर से पहले मैं थोड़ा ठीक ठाक प्रिपरेशन कर लेता था, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से मैं चलता था, तो इसलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया SSC के तीनों मेजर पेपर्स में। तो मैं भी अब आपको बताऊंगा कि आपको लास्ट मंथ में करना क्या है, लास्ट मंथ में कैसे चलना है। बहुत ही क्रूशियल वीक है आपका ये, और ऐसे दिल में ऐसे ना धक धक हो रही होगी ना कि यार एक हफ्ता बच रहा है, प्री में कितने नंबर आ रहे हैं, मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, पेपर में क्या होगा, वो सब भाई सबके होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, नॉर्मल है ये सब होना। लास्ट वीक चल रहा है, एकदम कच्चे कट के पढ़ना, एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ऐसा पढ़ना ठीक है। तो फिर अब मैं आपको बोलूँगा कि जैसे मैथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी लास्ट मंथ में, या सॉरी लास्ट वीक में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने आपको जो आपके वीक चैप्टर्स लग रहे हैं ठीक है, उनका बेसिक रिवाइज़ कर लो। पहली चीज़ फार्मूला का पेजेस रिवाइज़ कर लो। मैंने आपको बताया था कि फार्मूला का पेजेस बनाते चलना। अभी भी जिसने नहीं बनाया मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना फार्मूला के पेजेस। कम से अब खुद मत बनाना, कम से कम वो देख लेना जो मैंने बनाया है। तो मैथ में बेस जो चैप्टर में दिक्कत आ रही है वो रिवाइज़ करना, क्योंकि बेसिक्स आपने पढ़ लिया होगा। मैंने 1 महीने पहले से ही बता दिया था बेसिक्स पढ़ते आना है, बेसिक ही करना है। तो मैं उम्मीद करूँ आपने कर लिया होगा। तो जो जिन चैप्टर्स में दिक्कत है उनका बेसिक्स रिवाइज़ करो, फॉर्मूला के पेजेस रिवाइज़ करो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, और स्क्वायर्स क्यूब्स ये सब याद करो। स्क्वायर्स याद करते रहो 40 तक, क्यूब याद करो 30 तक, और टेबल याद करो 20 तक। कैलकुलेशन प्रैक्टिस में आपको 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी, बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 5 क्वेश्चन देने अपने आपको। ये मैंने एक CPO की लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी में भी ये चीज़ बताई थी, अभी लास्ट वीक में भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और 2 डिजिट का स्क्वायर की ट्रिक्स याद कर लो, 2 डिजिट के क्यूब की ट्रिक्स याद कर लो, 3 डिजिट के स्क्वायर की ट्रिक्स याद कर लो, और इनके 5-5 क्वेश्चन अपने आपको देना ठीक है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपकी मैथ की इससे इंक्रीज, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके आपकी मैथ की स्पीड इंक्रीज़ होगी। ये स्क्वायर्स क्यूब्स ये सब ना 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, स्पीड इंक्रीज़ हुई थी तो तुम भी करना। रीजनिंग में क्या करना है, जिस अगर आपको वही बेसिक में अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा है उसको रिवाइज करो प्रीवियस। और मैथ में भी मैं आपको बोलूँगा जिन क्वेश्चंस पे आपने टिक लगाया था ना, हाँ जो मैंने बोलता टिक लगा लगा के पढ़ने, जिनमें डाउट हो तो भाई वो टिक वाले भी रिवाइज करना ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रीजनिंग में जिस बेसिक चैप्टर्स में अगर आपको डाउट है वो रिवाइज कर लो, और प्रीवियस ईयर में जो आपने टिक लगाए थे वो रिवाइज कर लो, और फॉर्मूला के पेजेस जो थोड़े बहुत आपने बनाए थे वो रिवाइज कर लो। मैंने अपने ईडब्ल्यूएस कह रहा हूँ, रीजनिंग के भी मैंने फॉर्मूला के पेजेस बनाए थे, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप देख लेना, उससे आपको इंपॉर्टेंट वो होगा, बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में वही दोबारा बोलूँगा, बेसिक में जो चैप्टर आपको लग रहा है कि मेरे को डाउट है या बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, वो रूल्स और वो चैप्टर्स आप रिवाइज़ कर लो। पहली चीज़ ग्रामर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ वोकेबलरी में मैं बोलूँगा कि आपने जो वोकेबलरी में भी मैंने बोला था टिक लगा लगा के याद करना, तो वो टिक वाले वोकेबलरी में करना, और हो सके तो एक बार सारी जितनी भी आपने वोकेबलरी पढ़ी है ना एक बार सारी पे ना एक बार नज़र मार लेना इस हफ्ते में, नहीं तो टिक वाले ज़रूर रिवाइज़ करना। और न्यूज़पेपर वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जिसको मैंने बोला है आपका अगर दिक्कत है, तो भाई 5 न्यूज़पेपर के पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को, और उसको अगर एक पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा तो उसको बार बार पढ़ो। और ये नहीं कि अगर एक ही पैराग्राफ 5 बार पढ़ लिया तो हो गई भाई 5 पैराग्राफ की रीडिंग, वो एक पैराग्राफ अगर 5 बार पढ़ोगे चाहे 10 बार पढ़ोगे वो एक ही बार माना जाएगा। तो 5 पैराग्राफ सुबह 5 पैराग्राफ शाम को, रीडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। पूरे महीने नहीं करा मेरे भाई, लास्ट हफ्ते तो कर लो, कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज़ हो जाएगा तुम्हारा, इंप्रूव हो जाएगा, क्लोज टेस्ट वीक वारस ये सब ठीक है। रूल्स रिवाइज़ कर ले, प्रीवियस ईयर की वो कैब रिवाइज कर ली जो, और या फिर जो आपने मटेरियल इकट्ठा कर रखा है उसमें जो टिक लगा रखे वो रिवाइज़ कर लिए, या फिर सबसे गो थ्रू हो गए वो कैबलरी में। मैं होता तो मैं एक बार सबसे गो थ्रू हो जाता, टिक वाले भी और बिना टिक वाले भी, बिना टिक वाले भी। और न्यूज़पेपर कॉम्प्रिहेंशन कर लेना यार, मतलब कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ लेना। अब बात करते हैं जीके की। जीके में वही अगर वही
पॉलिटी में, जैसे शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स, आर्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किन किन उससे वो बोरो हुआ था, ये जो दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी में ये रिवर वाला सिस्टम हो गया, या मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, साइंस, जो साइंस पोर्शन भी है इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा है, ऑब्वियसली बेसिक कवर करने के बाद तो आपको समझ आ गई होगी कोई चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ करना। पूरी लूसेंट आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, पूरा बेसिक एक हफ्ते में रिवाइज़ नहीं कर सकते। मैं सजेस्ट करूँगा जो आपको आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लग रहा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के वो करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आपने टिक लगा रखे हैं वो पढ़ना, क्योंकि एक हफ्ते एक महीना पहले मैंने बता दिया था टिक लगा के पढ़ना है। और बची, अब आपके पास स्टैटिक जी के जहाँ से भी आप एक्स वाई जेड जगह से स्टैटिक जी के पढ़ लियो, एक बार गो थ्रू हो जाना, स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट होती है। और बची करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स देखना मेरे भाई, मंथली करंट अफेयर्स देखना मार्च से अगस्त के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के करने की जब मैं तो नहीं करता सितंबर के, आपको करना हो कर लेना क्योंकि अक्टूबर में पेपर है, मैं एक महीने पहले के करंट अफेयर्स नहीं करता था। मार्च से अगस्त के मंथली करंट अफेयर्स करना, अभी भी नहीं करे किसी ने तो भाई इंडोलोगस देख लो भाई, मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं देते इंडोलोगस वाले में, जो मैं बार बार इंडोलोगस के राग गाता रहता हूँ, वो जेन्युइनली अच्छा चैनल है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंडोलोगस के मंथली करंट अफेयर्स कर लेना, मंथली करना मार्च से अगस्त। और अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब आते रहते हैं, और ये भी एक बार पढ़ के जाना और करंट अफेयर्स के अलावा अलग से, ठीक है। तो ये सार था मेरे भाई, अपना मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के रोज़ लगाना, अभी ये लास्ट का हफ्ता चल रहा है, और कुछ होगा तो मैं तो यार इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर ही देता हूँ यार, मैं जितना मेरे को टाइम मिल रहा है, अभी ट्रेनिंग सेंटर पे हूँ मैं, तो जितना कर रहा है करो। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, गिव योर बेस्ट एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।